हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्वागत है। मैं हूं समीर कैटल ब्लॉग्स एक और वीडियो के साथ। ग्वालवाड़ी यहां पर मैं बामुनिया में मौजूद हूं। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आज मैं आप लोगों को फुल टूर करवाने वाला हूं एक नया कैटल फार्म पे, एमएम कैटल डेयरी फार्म पे। आज मैं आपको न्यू कैटल फार्म का वीडियो मैं शूट करूंगा। ग्वालवाड़ी में इनका कैटल फार्म था, आज यहां पर एक नया कैटल फार्म पे मैं विजिट कराने वाला हूं। हमारे वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समीर कैटल ब्लॉग्स को सपोर्ट कीजिएगा। आज न्यू कैटल फार्म पे वीडियो होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन के साथ। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेट्स गो। ये रहा एमएम कैटल एंड डेयरी फार्म, बामुनिया ग्वालवाड़ी पीएस काशीपुर कोलकाता 135। इनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो चलता हूँ मैं इसके अंदर में, और ठीक आपके पीछे में यहाँ पे ताज कैटल फार्म है, और यहाँ पे अल मदीना देख सकते हैं। तो ये वाला अल मदीना जो है पहले इसमें था, ये अल मदीना अभी हट गया है, यहाँ पे एमएम कैटल फार्म हुआ। अंदर चलते हैं, अंदर चल के आप लोगों को मैं कलेक्शन दिखाता हूँ। चलिए, एमएम कैटल एंड डेयरी फार्म पे मैं अभी मौजूद हूँ। सीजन 2024 पे ये न्यू कैटल फार्म हुआ है, जो मैं आप सभी के साथ मिलकर शेयर करूंगा। और ये कुछ कलेक्शन है, मैं आपको इनका एक बार कैटल फार्म दिखा देता हूँ। ये इस लाइन पे जो है आपका बुफेलो है, भैंस का लाइन है, यहाँ पे दूध का कारोबार होता है। और यहाँ पर इनका सीजन 2024 का जो है कलेक्शन अवेलेबल तैयार हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद में आप लोगों को वन बाय वन करके यहाँ पर ही आप लोगों को मैं कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। तो ये 2024 का यहाँ पे लेटेस्ट कैटल फार्म है, और न्यू कैटल भी और भी कलेक्शन आने वाला है, और अभी जो है यहाँ पर ही आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये कुछ कलेक्शन इनके पास में है जो अवेलेबल तैयार है, ठीक है ना। तो ये कुछ है जो मैं आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ। और हमारे जो है चैनल पे अगर आप नए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहता हूँ। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की होने वाली है, और इस वीडियो पे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सा गाय दिखाने वाला हूँ, पंजाब हरियाणा, और यहाँ पर हंसा भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो लेटेस्ट कलेक्शन आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ, 2024 का नया कैटल फार्म है। इस वीडियो पे बहुत खूबसूरत सा कलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ वन बाय वन करके मैं आप लोगों को पहला जानवर मैं दिखाऊंगा, जो यहाँ पर एक बुल है। तो सामने से देख लीजिए, सबसे पहला नंबर ये वाला बुल देखिए आप। इसकी मैं अगर हाइट की अगर मैं बात करूं, या इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, किसी भी एंगल से अगर आप देखोगे तो आपको क्वालिटी समझ में आएगी, किस तरीके से क्वालिटी जो है तैयार हुआ है। और इसकी चोटी देखे, हाम देखे इसकी। और मैं आप लोगों को मेरे वीडियो पे मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जानवर की जितनी भी अच्छी खूबसूरत होता है, मैं आप लोगों को उतना बेहतरीन दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा एग्रेसिव है ये वाला बुल है ये वाला, और हाइट की अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत बेहतरीन हाइट है। कोशिश मैं करूँगा एक सिंगल वीडियो में इसको खोल के मैं दिखाऊँ आपको। पहले तो मैं आपको फुल कलेक्शन टूर करवा रहा हूँ एमएम कैटल एंड डेयरी फार्म का। तो ये 2024 का फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे। आई होप, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और बहुत ही बेहतरीन सा ये जो है कलेक्शन है इनका एमएम कैटल एंड डेयरी फार्म का। देखिए इसकी सलामी देखिए आप, और इसकी जो है आप गले के झालर देख सकते हैं, चौड़ाई देख सकते हो आप, बहुत बेहतरीन। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, मगर आपको वीडियो देखने में मजा काफी आने वाली है, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी का मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। जितना हो सके मैं आप लोगों को अच्छा कलेक्शन, अच्छा गाय मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, और आप ही अपने घर पे बैठ के अपने फैमिली एंड अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय करिएगा वीडियो को देखकर। तो इसके पीछे का साइड आप गुलाई देखिए आप, बहुत ही गोल मटोल सा पूरा एकदम जो है रसगुल्ला हो रहा है, और क्वालिटी देखिए आप। ओ भाई माशाल्लाह, एक बार कमेंट में आप लोग जरूर माशाल्लाह जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरीका का मैं कंटेंट लेकर आते रहता हूँ। इसकी हाम देखिए आप, बहुत खूबसूरत एमएम कैटल फार्म का मुझे बहुत अच्छा लगा इनका जो कलेक्शन है अभी फिलहाल के लिए, बहुत खूबसूरत सा। तो ये मैंने आपको पहला जो है मैंने आपको बुल दिखाया है ये वाला, और आ जाते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर गाय पे। भाई क्वालिटी देखिए आप लोग, ओ भाई काबिले तारीफ है। और इसकी जो झालर है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अच्छी तरीके से, सलामी देख रहे हो, माशाल्लाह, अल्लाह नजर पाक से बचाए। और बहुत अच्छा खूबसूरत गाय,
आप सभी के सामने में एमएम कैटल फार्म का 2024 का लेटेस्ट कलेक्शन और माय चैनल मतलब मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ फुल ब्लॉगिंग के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। और क्वालिटी देखे भाई, आइस की जो बनावट एक जो आ रही है ना, वो काबिल तारीफ है। देख रहे हैं, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से फ्रेम में लेकर मैं दिखा रहा हूँ गाय को, जिसमें आप लोगों को पसंद आए। तो मैं अभी आप लोग को वन बाय वन करके मैं बैक सामने से दिखाऊंगा, फ्रंट से, फिर मैं आप लोगों को बैक से भी पूरा कवरेजिंग करूंगा। तो ये सेकंड नंबर, ये वाला भी जो है आपका हरियाणा में है, इनके पास में पंजाब एंड हरियाणा और गिर का ये कलेक्शन अवेलेबल अभी है 2024 का। देखिए ये वाला मैनी है, जो मैनी के शौकीन है, जो मैनी जानवर लेने में बिलीव करते हैं, उनके लिए मैनी कलेक्शन है। और इसकी जो हाम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हाम, देखिए आप देख रहे हैं, इसके बगल में जो हंसा है वो देखिए आप भाई, उफ, एक जो ये फ्रेम जो बन के जो आ रहा है ना नीचे के साइड से, आप देखें, देखिए मैं आपको झालर दिखाता हूँ। देखिए देख रहे हैं इसकी जो खूबसूरती है, जो थन सामने में देखिए एकदम पूरा गुलाई, वो काबिले तारीफ है भाई। और आइस देखिए एकदम पिंक हो रहा है, गुलाबी, देख रहे हैं, इसे कहते हैं भाई प्रीमियम क्वालिटी प्रीमियम कलेक्शन। एमएम कैटल फार्म का फर्स्ट वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, न्यू कैटल फार्म है, अल मदीना था इस पे, अभी अल मदीना उस साइड में है और इस साइड में आपका एमएम कैटल फार्म है। न्यू कलेक्शन, न्यू वीडियो के साथ और काफी खूबसूरत ये हंसा गाय जो आप सभी से मैं शेयर कर रहा हूँ, पूरा एकदम पिंक हो रहा है, गुलाबी हो रहा है, देख लीजिए क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है और अच्छा बनावट में है और अच्छा एक्टिविटी है जानवर के अंदर, जो आप सभी के सामने मिलकर मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए पूरा एक जो घोड़ा का जो चाल होता है, जो चलन होता है, जो एक स्टेट जानवर होता है, पूरा उस कैटेगरी का इसका झालर देखिए भाई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये सारा जो है सीजन के लिए अवेलेबल तैयार हो रहा है, जो आप सभी से मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए क्वालिटी देखिए भाई, गजब, बहुत सुंदर। और इसका जो ये हाम जो है वो भी काफी अच्छा भी बनेगा, फिलहाल अभी ये उतना तैयार नहीं हुआ है। चलिए ये वाला भी एक गाय देखिए, ये वाला भी गाय माशाल्लाह जो है, ये सिंग थोड़ी सी टूटी हुई है, एक जो हो जाता है फाइट वगैरह होता है गाय गाय से उस कैटेगरी में, या लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे हो सकता है सिंग में चोट लगने के कारण से सिंग जो है वो टूट गया है। और अभी फिलहाल ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दवाई पानी लगा के जो है गाय अभी ऑलरेडी ठीक है, सिंग भी बहुत जल्दी जो है मेकअप हो जाएगा अपने टाइम पे आते आते। और झालर देखिए आप, देख रहे हैं क्वालिटी सारा, यहाँ आपका हरियाणा पंजाब गाय मिक्स है इनके पास में। और एमएम कैटल फार्म का मैं आपको फर्स्ट वीडियो दिखा रहा हूँ मेरे चैनल पे समीर कैटल ब्लॉग्स। और ये वाला सींग देखिए भाई, ये वाला गाय का काफी बड़ा सींग में है। और सलामी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, देखिए इसकी सलामी देखिए आप, देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलेक्शन आप लोगों के साथ मिलकर शेयर कर रहा हूँ। बीच में ये वाला भी गाय काफी हेल्दी लग रहा है मुझे, सारे व्हाइट कलेक्शन है इनके पास में, व्हाइट कलेक्शन अवेलेबल है। और व्हाइट कलेक्शन के जो शौकीन होते हैं सादा गाय का, वो थोड़ा से बहुत अच्छा लगता है। इसका सींग देखिए काफी नुकीला और काफी बड़ा सींग में है, जो एक बुल का कैटेगरी में सींग होता है उस कैटेगरी का सींग है। आप लोगों ने बुल का फाइटिंग वाला या रेस वाला आप लोगों ने देखा होगा, है ना। कलेक्शन तो अभी फिलहाल इनके 2024 में मेरे हिसाब से गाय का कलेक्शन मुझे अच्छा मीडियम नहीं है, सारा हाइटेड वाला है। अगर हाइटेड में आप लेना चाहते हैं तो अच्छा कैटेगरी का इनके पास में गाय अवेलेबल है, सीजन के लिए फिलहाल ये तैयार हो रहा है। और क्वालिटी देखिए भाई, गजब का क्वालिटी है, देख रहे हैं ये सारा हरियाणा पंजाब मिक्स है। मैं आपको गिर भी दिखाने वाला हूँ मेरे चैनल पे, और नया फार्म है, नया कैटल फार्म है, तो मैं आप लोगों के साथ में न्यू कैटल फार्म एंड न्यू डेयरी फार्म का भी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इस कैटल फार्म को भी आप लोग प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए, और अपने समीर कैटल ब्लॉग्स को भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और वीडियो को जो है आप अपने टीवी के स्क्रीन में देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस एक वीडियो के लिए, न्यू कैटल फार्म के लिए, एक लाइक तो बनता ही है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कलेक्शन और भी अच्छी अच्छी वीडियो में ला के आप लोगों को दिखा सकूं। सारा देख लीजिए, सारा गाय में, ऐसा नहीं है कोई भी गाय में या चोट है या कुछ ऐसा है, खाली एक जो था गाय वो थोड़ी सी सींग टूटी हुई थी, तो वो हो जाती है कभी कभी, क्या है कि लोडिंग अनलोडिंग या कभी कभी आपस में ही गाय वगैरह का फाइटिंग वगैरह हो जाता है तो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है,
वो चीज जब मैं देखता हूँ तो मुझे भी थोड़ा से तकलीफ होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाय लवर हूँ, काऊ लवर हूँ, तो मुझे भी देख देख के कभी कभी चोट किसी जानवर को लग जाता है, तो वो भी देख के मुझे थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी पीड़ा होती है, क्योंकि इंसान हम भी हैं, इंसान वो भी है, वो भी एक बेमुंह का जानवर है, तो ये सारा चीज फीलिंग थोड़ा से फीलिंग होता है हर्ट किसी भी जानवर को चोट वगैरह अगर लग जाती है। देखिए खूबसूरती देखिए भाई, माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर पाक से बताए हर एक जानवर इनके पास में, और अच्छा सेवा हो रहा है। सबसे पहली नंबर बात, सेवा बहुत अच्छे कर रहे हैं हर एक जानवर, देखिए अच्छे मैंने तैयार कर रहे हैं और अच्छा तरीके से हेल्दी है। कोई भी ऐसा जानवर मुझे तो नहीं लग रहा अभी तक का कि वीक है कोई भी जानवर या कमजोर मुझे दिख नहीं रहा। सारा देखिए इसका सलामी देखिए, पूर देखिए भाई, देख रहे हैं काफी बड़े साइज में है। और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एमएम कैटल फार्म का कलेक्शन 2024 का फर्स्ट वीडियो में लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये वाला देखिए भाई, ओ भाई इसका सींग देख रहे हैं आप, गजब इसका सींग देखिए आप, और ये वाला सींग देखिए भाई, ये वाला गाय का गजब भाई गजब, देख रहे हैं इसका सींग, हजार में एक मिलता है। ये वाला मुझे काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि इसका जो सींग दिख रहा है आपको बहुत यूनिक सींग और बहुत अच्छा सींग बना हुआ है, साइज के साथ में बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे कैटेगरी में। ये जो एक एक चीज जो अनोखा एक एक खूबसूरत चीज देखने को मिलता है ना, तो ये काफी अच्छा लगता है, देख रहे हैं लुक देखिए भाई। देखिए भाई मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरा ब्लॉगिंग करने का अपना अंदाज है, तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जरूर बनाता हूँ। आपको लॉन्ग वीडियो में जरूर समझ में आएगा कि भाई समीर ब्लॉग का काम है, मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग थ्रू से ही मैं अपना वीडियो दिखाता हूँ। तो ये भी एक है छाई कलर का गाय है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और ये बच्चा दी है ना, ये देखिए ये इसका बेबी है, ये बच्चा दी है भी, यहाँ पे दूध दूध पी के यहाँ पर ही, तो ये दूध वाली गाय है, बच्चा दी है, ठीक है जो दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, दूधाई गाय है ये वाला। और यहाँ पे कुछ बेबीज हैं जो बहुत ही खूबसूरत में जो आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये बेबीज, बेबीज जो बच्चे के स्वांगीन है उन लोग बच्चा भी देख सकते हैं यहाँ पर ही, है ना, बहुत ही खूबसूरत एंड प्यारा सा माशाल्लाह। कमेंट में जरूर माशाल्लाह लिख दीजिएगा अच्छा लगता है, और आपको कौन सा पसंद आया आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए अब मैं आपको फ्रंट से तो दिखा दिया हूं, मैं आपको अब बैक से दिखाऊंगा, फुल फ्रेम में दिखाऊंगा, अच्छी क्वालिटी का अच्छे नस्ल का गाय है एमएम कैटल एंड डेयरी फार्म, ठीक है। तो ये आप फुल फ्रेम में देखिए, अब मैं आप लोगों को जो है बैक साइड से दिखाने वाला हूं, ठीक है। देखिए इसका क्वालिटी देखिए आप भाई, माशाल्लाह और नजरे पाक से बचाए, बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ है, पूरा गोलाई में दिखा रहा हूँ आप लोग को, फुल फ्रेम में देखिए भाई, चौड़ाई देखिए आप लोग, क्वालिटी देखिए, देख रहे हैं ये गुलाई देख रहे हैं, माशाल्लाह काबिले तारीफ है। और ये मैनी, तो गाय का मैं आप लोग को फुल फ्रेम में दिखा रहा हूँ, एमएम कैटल एंड डेयरी फार्म का कलेक्शन 2024 का, कैसा क्वालिटी है देखिए भाई, क्वालिटी मानना पड़ेगा आपको। और ये फुली बैक साइड से मैं दिखा रहा हूँ, पूरा एकदम गुलाई हो रहा है रंग नक्शा के साथ में, और ये हंसा गाय, खूबसूरती देखिए, तो ये देख लीजिए कितना एग्रेसिव है, जो आप सभी के साथ में मिलके मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए ओ भाई काफी एग्रेसिव, और ये पूरा जो है एग्रेसिव है, मैं आप लोगों के साथ में मिलके शेयर कर रहा हूँ। इसकी खूबसूरती देखिए खाली आप बैक साइड से देख रहे हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन एमएम कैटल फार्म का 2024 का जो आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ, और ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, देख रहे हैं वैसा खूबसूरत वैसे ही एग्रेसिव। इसकी गोलाई देखिए आप पीछे से, सारा कलेक्शन अपने आप में काबिले तारीफ है जो आप सभी से मैं शेयर कर रहा हूँ एमएम कैटल फार्म का 2024 का फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे, और ये न्यू कैटल फार्म है जो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखिए पीछे के साइड गुलाई देखे, देखिए गुलाई देखिए भाई देख रहे हैं। और मैं आप लोग को जो है यहाँ पर ही सलामी वगैरह भी दिखा रहा हूँ, एक एक गाय का मैं आपको बैक से दिखा रहा हूँ, देखिए गुलाई देखिए देख रहे हैं,
एक एक गाय जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कवरेज कर रहा हूँ जितनी अच्छी तरीके से। थोड़ी सी गंदगी आपको जरूर दिख रही होगी, मगर गाय जो है यहाँ पर ही थोड़ा गोबर वगैरह पीछे के साइड में, क्योंकि देखिए खटाल है, जाहिर सा बात है गोबर वगैरह लगेगा। यहाँ पर गाय का आप लोगों जो है क्वालिटी में दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए ना, ये चौड़ा है, ये गोलाई गोलाई देखिए, थोड़ा गंदगी जरूर है, मगर सब जानवर जो है अपने आप में इनका जो है काफी अच्छा तैयार किया हुआ है। ये पीछे के साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखिए सारा गाय का लॉर्ड है और सारा गाय जो है अपने आप में माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीके से तैयार किया हुआ भाई का। देखिए सारा ठासा हुआ एकदम गोल मटोल सा कलेक्शन, देखिए भाई उफ। ये लॉर्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा अपने आप में ही बहुत अच्छी तरीके से भाई तैयार कर रहे हैं, कुछ इसमें भी कच्चा भी है और जो रेडी है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये सारा जानवर जो है अभी फिलहाल अच्छे फ्रेम में अभी आ गया है और अभी 6 महीने में तो अभी और भी ये खिलेगा और भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और इसकी मैं क्या ही तारीफ करूं, इसकी सलामी देखिए भाई, चोटी देखिए इसकी, हाम देख रहे हैं, ये वाला गाय का सलामी देख रहे हैं आप, ओ भाई ये हाम देखिए, और ये गुलाई पीछे के साइड से माशाल्लाह। और ये वाला गाय का तो अलग ही एक अपना एक वजूद है, ये वाला गिर का आएगा, गिर का देखिए क्वालिटी देख रहे हैं, बहुत अच्छी फ्रेम में है और पीछे का साइड जो है पूरा जो है अच्छी गुलाई में है, ये देख रहे पूरे पीछे का साइड देखिए, पूरा इसका जो एक जो बनावट जो आ रहा है ना वो काबिले तारीफ है, देख रहे माशाल्लाह। तो ये कलेक्शन 2024 का मैंने आपको दिखाया, ये वाला भी एक मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 2024 का ये कलेक्शन था कुछ मैंने आपको दिखाया और मैंने आप लोग को बैक से भी दिखा दिया। तो आई होप कैसा कलेक्शन लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को आप लोगों को पता है गाइस, इसके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए दीजिए हमें अलविदा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग किसी न्यू कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ गाइस, दुआओं में अपने भाई को याद रखना।